तो ये देख लो, गरतांग गली और वो नदी। मैं चलूं? अरे नहीं नहीं नहीं, 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 अरे रुको 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 रुको, अरे रुक जाओ, रुको तो। आगे देखो बिल्कुल ड्राई माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो वही है हमारे उत्तराखंड का लद्दाख जहाँ हम जा रहे हैं। सही सुना? हाँ, उत्तराखंड का लद्दाख बोलते हैं इसे। क्या बात कर रही है? आपको नहीं पता था? नहीं, मैं वही तो जानने जा रहा हूँ तब से, क्या है निलोंग वैली। मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज है। ऐसा ना हो वो बोल दे अब तो टाइम निकल गया सर जी गरतांग गली जाने का। मुझे तो है, कल रुकवाऊंगी फिर मैं तुझे, पहले सुन ले तू। जब पूछ गया मुझे फोन कर। बाय लो। पता कि हम गेट से एंट्री करेंगे और थोड़ा सा चल के हमें सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, पर जी नहीं, ऐसा नहीं है। गरतांग गली के लिए आपको पहले 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और फिर आपको दिखेंगी वो सीढ़ियाँ। ड्रामे शुरू हो गए हैं अपूर्व कौशिक के। नहीं जा पाऊंगा। वाह, 2 किलोमीटर कुछ भी नहीं है वैसे तो, पर पैर सही होता तो और भी मतलब चल। नहीं, मुझे उठा के ले जाना। अगर कुछ नहीं तेरे लिए 2 किलोमीटर। तुझे उठा के पद्दी आ जाऊं तेरे? पैर ना गट अंदर घुस जाएगा। वैसे तो मुझे इजी लग रहा है, मतलब प्लेन ही है रास्ता। जब चढ़ेंगे ना बेटा तब पता चलेगा, क्योंकि चढ़ाई तो है होगी, फिर चढ़ाई भी चढ़नी पड़ रही है हमें। कभी किसी ने स्लिप रोड बनाई होगी, उसे कुछ काम रहा होगा। बनाई होगी, अब तो उसके रास्ते को फॉलो कर लो। पता नहीं ये एशियंट चीज है ना वो। एशियंट नहीं, एंशियंट। एंशियंट एशियन भी है। एशियंट एन बोल, एन एंशियंट बोला, बोल दे एंशियंट। एशियन पेंट। मैं तुझे पीट दूंगी। क्यों? उड़पड़ांग बातें बोलता रहता है। हवा इतनी तेज है ना, कोई नीचे गिरेगा नहीं। चुप रह तू, ट्राई कर। तू कर ले, क्या खतरनाक है चट्टान यार। माय गॉड, तभी तो उधर से नहीं गया वो सड़क, वहां पे थे हम। वो आदमी तभी उधर से नहीं गया। कौन सा आदमी? जिसने सिल्क रोड बनाई होगी तुम्हारी। हाँ, ये खोद तो पाया होगा वो। हाँ भाई, हो रहा है तुमसे? अभी तो हो रहा है, जब चढ़ेगी तब पता चलेगा, अभी तो उतर रहे। चलो चलो चलो। इतना एक चीज दिखाऊंगा, आओ स्टाइल मारने को नहीं होना। वो देखो सामने चट्टान। अरे वो देख ना, खंजर सा निकल रहा है। कुकरी। हम उस रोड पे थे इतनी नीचे, वहाँ पे ये रोड दिख रही है और ऊपर देखो कितनी ऊंची चट्टान है। वहाँ से मोरी ना आंखों को ज़ूम करके देख लेते हैं यहाँ पे गड़दान मिली है। हाँ, मोरी रोड। ये अपु तेरा घर है, रुकने के लिए गुफा भी है यहाँ। ऐसा है ना, अलग सा ट्रैक। कहाँ जा रहे तू? अच्छा, अभी भी 1 किलोमीटर बचा है और वहां से आया मुझे पुल दिख रहा है। अप्पू कहाँ गया? और दिख गया और अप्पू कहाँ चढ़ा हुआ था ये? ओ भाई, ये तो बहुत ढलान पे जाना पड़ेगा हमें एंड पॉइंट के लिए, और फिर चढ़ के आएंगे बेटा। कहाँ गया अप्पू? अभी बहुत ढलान उतरनी है हमें। There are too many जड़ी बूटियाँ over here, man. Seriously, जद गंगा देख लो अब, कितनी सुंदर लग रही है। जद गंगा तद गंगा। अलग सा ये ट्रैक ना, खतरनाक सा। पहले हम उस तरफ से देख रहे थे और अब हम इस तरफ से सड़क को देख रहे हैं। भाई साहब, दोनों ही चट्टाने, ये उधर से ये वाली चट्टान बहुत खतरनाक लग रही थी, यहाँ से वो वाली चट्टाने बहुत खतरनाक लग रही है। नहीं, यहाँ बैठ जा तू, यहाँ लेट सकता है तू, देख फिर डरा दियो किसी को। अप्पू गिरगिट को ढूंढ रहा है। तूने गिरगिट का नाम की आदित रख दिया। 1.5 किलोमीटर तो चल भी चुके हैं हम, सही बताऊ तो। ओ प्लीज अप्पू, वीडियो में ना तू है, वो मेरे से नहीं चला जाएगा। ऐसे ही रह तू। बाय बाय अप्पू, पानी की बोतल दे दे बस तू। स्टैचू ओवर।
वो तो मैंने तुझे दिखाया कि भाई मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा है, मैं तब भी चलने को तैयार हूँ। दिखाया नहीं, बताया जाता है। बताया बताया वीडियो है, झूठ झूठ देख लियो तू। सच में एक नंबर की तू है झूठा। एडिटिंग मत करियो उसकी, फिर नहीं करूंगी। ठीक है ना, पूरा रास्ता चल चल रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि भाई अप्पू झूठ बोल रहे हैं। मैंने कैसे को लाल था, फूल उग रहे हैं मस्त से, ज़ूम करके देखे मुझे बीच से लाइन आ रही थी उसको लगा ये भी 6x6 आंखें हैं मेरी, पत्तियां हैं लाल हो रखी हैं जो। देखो कैसी हालत हो रखी है अप्पू की। अबे देवरन वाला पोज कर दिखा। वाह अप्पू, ऐसे चिंपैंजी की तरह थोड़ी चलता है वो। वाह अप्पू वाह 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 वाह। फाइनली गर्तांग गली की सीढ़ी नियम है यहाँ पे। हाँ चलो वापस गर्तांग गली दिख गई, वापस चलते हैं। तो रूल्स है ये, देख लो आप। उस पुल से फोटो खींची थी आपने, वहाँ पुल से आगे आके और यहाँ आ गए अब हम गर्तांग गली। हाँ पता है मुझे। क्या हुआ, छूट गया छूट गया तेरा? के पॉलिश करवाओ यार इनको। ठीक है बुलाता हूँ। अभी हमारे ऋषिकेश वाली गर्तांग गली ज्यादा सुंदर लग रही है। और ये देखो जदगंगा, जदगंगा कितनी सुंदर लग रही है। ये शेडो है मेरी, ये मेरी शेडो है, ये मोनी की शेडो है। एंड में आ गए हम, इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, वहां से मैंने फोटो खींची थी उस पुल के आगे से। तो गर्तांग गली भी हमने देख ली है जी। हाँ, अब घर जाके पता चलेगा कि मेरे पैरों का क्या हाल है। अभी तक तो सही लग रहा है। ठीक है सर, ऊपर पीछे जाओ, बिल्कुल पीछे जाओ, बिल्कुल पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और जाओ, और जाओ। कहाँ है कुत्ती बैठनी है मेरी। हाँ ये कपड़े कौन छोड़ गया अपने, आगे गए क्या कोई? मैं तो मेरा जा बदली दिल की तारे है आहा ओहो, तो ही आया ये ख्याल है आहा। मोए रास्ता चल चल, लीटर से वो पुल दिखने लग जाता है जहाँ हमें जाना है। तो वहीं हमारी गाड़ी पार्क है, उससे थोड़ा सा आगे वहाँ जाएंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो आ गए हम लोग गाड़ी में। हमने 1 बजे ट्रैक शुरू करा था, 1:08 पे 3:30 आ गए। मतलब मेरे ख्याल से 2 घंटे लगे हम लोगों को, नहीं 2.5 घंटे। 1 घंटा हमने फोटो खींची होगी, 1.5 घंटे में आने जाने की ऐसा करा, क्योंकि मुझे तो आपको पता ही कितना शौक है फोटोज क्लिक करवाने का और एक्सपेरिमेंट करने का वीडियोस के साथ। तो छोटी सी गर्तांग गली थी, इससे बड़ी ऋषिकेश की गर्तांग गली है जो ऋषिकेश वाली है, और वो तो चमकती भी है। तो टोटल हम लोगों को 2.5 घंटे लगे हैं उस ट्रैक को करने में। और अब मेरे अभी गरम गरम में पता नहीं चल रहा है कि घुटने में दर्द है नहीं, हल्का हल्का सा पता चल रहा है कि हल्का दर्द है। अब जब ठंडक पहुंचेगी ना रूम पर जाके तब पता चलेगा कि सूजन आई है क्या हुआ है। पर मैंने आज कर लिया ट्रैक, क्योंकि यार गर्तांग गली नहीं देखते तो क्या यार, ऐसा लगता है कि यार छूट गया कुछ ना इस टाइप से। तो चले गए हम लोग गर्तांग गली देखने। पहले जब नई नई खुली थी तो तब बहुत चमकती होगी, पर अभी थोड़ा सा उसका पॉलिश वॉलिश उतर गया है, बर्फ बर्फ भी गिरती है, तो मतलब थोड़ा सा डल हो गई थी वो जो है ना लकड़ी वगैरह। पर जो पहले जो लोगों ने नई नई डाली ना उसमें बहुत चमकती थी वो, उसमें बहुत येलो येलो सी उसकी लकड़ी दिखती थी, तो बहुत सुंदर लगती थी वो। तो अभी थोड़ा सा पुरानी सी वो लग रही है वो। 2.5 घंटे में अपना हो गया। पर यहाँ पे क्या है, 2:30 बजे से पहले ही आपको एंट्री करनी है, 2:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम लोग 1 बजे घुस गए थे और 3:30 बजे वापस आ गए हैं। तो अब चलते हैं रूम पे, या वो देख लें आज विल्सन हाउस है, देख सकते हैं। मैं क्या कह रही थी, जाते ही देखने चल जाते हैं, वरना तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। रूम पे चले गए तो निकलते ही नहीं हम रूम से। कल के लिए जा रहे हैं सब, क्योंकि ये लेके आएंगे डोली गंगा जी की। तो वहाँ पे व्यू पॉइंट है, उस जगह से पूरी नदी दिखती होगी। और ये देखो व्यू,
भागीरथी जा रही है, कि सुंदर लग रहा है व्यू पॉइंट। वो देखो हाँ, यहाँ से आ रहा है व्यू पूरा मस्त वाला। तो अभी वो होटल आने वाला है, मैं कल वीडियो नहीं दिखा पाई थी आपको कि कौन से होटल की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें 8,500 रुपए था रेंट, और जो हमारा कमरा अभी हमने ले रखा है ना उससे वो काफी छोटा था। वो ये वाला है प्रकृति, जिसकी ग्रीन छत दिख रही है ना, इतना बड़ा है भी नहीं जितना मतलब इन्होंने वो उतना रेट लगा रखा है। ये वाला होटल, ये तो विल्सन हाउस देखने आए थे हम, पर वो हमें दिखा नहीं, क्योंकि नहीं दिख तो गया पर अंदर जाना मना है, क्योंकि हम लोग कल गलती से उसमें रुकने के होटल के लिए पूछने लगे तो उन्होंने बोला यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो इसलिए हम आगे आ गए। पर मैं जाते हुए आपको दिखाऊंगी कि विल्सन हाउस कौन सा वाला है। तो ये पहले पुराना ब्रिज हुआ करता था, अब नया बन गया है, तो यहाँ पे पूरी फीलिंग आती है वो वाली कसौल वाली और वहाँ वाली भी जीबी वाली भी। ये देखो, पर ये है हर्षिल। कितनी आवाज चल रही है, देखो एक नदी दूसरी साइड भी बह रही है उस तरफ, मतलब बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे। एक ये है और एक और है, वो भी दिखाऊंगी अगर मुझे मौका मिला तो। ऐसे ही पुल है वहाँ पे भी जहाँ रात को दिखाया था ना वो वाला। अप्पू जी आ गए हैं, तो सुंदर है यार। मैं पर अप्पू बोल रही हूँ कि एक नदी ये वाली आ रही है बिल्कुल वैसी, और एक पीछे भी थी ना जहाँ पे ऐसा पुल था छोटा सा, मतलब कितनी नदियाँ आ रही है। ऊपर जा रहा है कहीं ट्रैक ना मेरे ख्याल से, पर हम तो बहुत चल लिए आज, घुटनों में दर्द हो जाएगा। अरे कितना सुंदर लग रहा है यहाँ, देखो जरा, मन कर रहा है डुबकी लगा लूं, पर इतना ठंडा हो रहा है ना। एक गांव दिखाऊं, अलग ही बस रखा है, और मेरे ख्याल से वहां सेब के पेड़ भी हो रहे हैं, जूम करके दिखाती हूँ। वो वाले ना मैंने, हाँ उस पे खेती भी हो रखी है, मजा आ गया। महान नदी सी तो ये दिन में चले जाते, पूरे दिन पहाड़ों में खिलाते हैं भेड़ बकरियों को। बाप रे बहुत मेहनत वाला काम है, तभी तो बेटा पश्मीना शॉल जो लेते हो ना तो महंगे आते हैं वो। तो आज हमारे जो होटल है, जो हमारा वो है रेस्टोरेंट, वो बंद है क्योंकि सब चले गए अब घर, कल आखिरी दिन था। तो आज हमें बाहर जाके खाना खाना है, अभी हम थोड़ा सा कुछ खा के आए हैं मोमोज वगैरह, और अब दोबारा जाएंगे खाना खाने के लिए। तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय।